हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं सोमर फील्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल तो अभी तक हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने पढ़ा था तो वहाँ से हमें पता चला कि बोहर ने जो है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम इजीली एक्सप्लेन कर दिया था तो हमने देखा हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है सिक्स सीरीज हमने स्टडी की थी द फर्स्ट वन इज़ लार्मर सीरीज सेकेंड इज बालमर थर्ड इज़ पाशन फोर्थ इज़ ब्रैकेट फिफ्थ इज पीफन एंड सिक्स इज हमफ्री सीरीज तो लाइन स्पेक्ट्रम जो था हाइड्रोजन आइटम का वो उन्होंने इजिली एक्सप्लेन कर दिया था बाय जूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट लेकिन जब बात आई थी कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइटम को एक्सप्लेन करने की तो बोहर जो थे उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे तो फाइन उन्होंने, तो हर, हर उन्होंने, तो उन्होंने, तो उन्होंने देखा हर लाइन जो है वो फर्दर जो है अपनी कंपोनेंट लाइन में स्प्लिट हो गई है तो दिस इज योर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो इस चीज की जस्टिफिकेशन इस चीज की एक्सप्लेनेशन कि हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है फर्दर फाइन कंपोनेंट्स में या क्लोजिंग स्पेस लाइंस के अंदर स्प्लिट क्यों हो गई है इस चीज़ की जस्टिफिकेशन बोहर के पास नहीं थी तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है सोमर आए तो सोमर ने 1916 में जो है इसे एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने करा तो उन्होंने ये रज़्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है इलेक्प्टल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है इंस्टेड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट तो उन्होंने जो है ये जो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ये जो आइडिया बोहर का आइडिया था इसको इसको मॉडिफाई किया इसको कहा कि नहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली में एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और जो आपका न्यूक्लियस है दैट इज एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट तो ये जो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो ये जो कंसेप्ट था वो ये जो कंसेप्ट का आइडिया जो था उन्हें कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्निट्री मोशन से लगा तो अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वो क्या कहता है कि हर प्लानिट जो है वो सन के अराउंड जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और जो सन है वो किसी भी एक फोकाई के ऊपर प्लेस्ड है तो ये जो है आइडिया उन्होंने यूज़ किया था कि उन्होंने जो है इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया जिस तरह से प्लानट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के अबाउट जो है इलेक्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके ऊपर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी किस चीज़ को फॉलो कर रही है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है जैसे ही हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या है? करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वैसे ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के बीच में जो कुलंबिक इनवर्स स्क्वायर लॉफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सो so, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसी का ही एनर्जी किस क्या एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ऐसी हम शेप फाइंड आउट करेंगे शेप ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट तो हम जो है ये जो बोहर ने जो पूरा एक्सटेंशन है जो पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताया उनकी एनर्जी क्या एनर्जी प्रोजेस करते हैं क्या शेप होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट का तो वो सारा हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वो तो कैसी फोर्स है आपकी सेंट्रल फोर्स है हमने मान के चला क्योंकि ये जो फोर्स है जो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है द द फोर्स दैट इज एक्टिंग सेंटर सेंटर जो center की तरफ लगे और यहाँ पे जो सेंटर है दैट इज योर न्यूक्लियस क्लियर है अब इलेक्ट्रॉन है एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अगर मुझे इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी एक आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट दैट इज आर एंड एक आपका जो है एंगुलर कोऑर्डिनेट दैट इज थीटा अगर मुझे आठ थीटा पता है तो मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो क्या कर पाऊंगी डिटरमाइन कर पाऊंगी अब हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी तो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालनी है 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 तो हमें पता वेलोसिटी जो जो होगी वो फर्दर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी आपकी एक आपका रेडियल कंपोनेंट और एक आपका कौन सा है एंगुलर कंपोनेंट तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आठ थीटा हम लिखेंगे तो वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई टीटा कैप तो यहाँ पे जो आर डॉट है ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये किसका है आपका रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड डॉट डॉट थीटा क्या है दैट इज योर एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी जो है आपकी किसकी सम है वी आर वैक्टर प्लस वी थीटा वैक्टर का सम है ठीक है तो यहाँ से अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का क्या होगा का 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 स्क्वायर स्क्वायर प्लस थीटा डॉट होल अंडर रूट तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अब जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या मोमेंटम इसके ऊपर लग रहा है तो मोमेंटम भी फर्दर दो में आपका जो है डिवाइड होगा रेडियल कंपोनेंट में और आपका एंगुलर कंपोनेंट में तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल है एम इन वेलासिटी ऑफ रेडियल कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड तो तो वो किसके है MR dot. तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो यही आएगा ऐसी अगर मुझे एंगुलर कंपोनेंट का मोमेंटम निकालना है तो पी थीटा किसके इक्वल होगा एम इन वी थीटा और ये निकल के आएगा एम आर स्क्वा डॉट नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एनर्जी सो टोटल एनर्जी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की लिखनी है कि टोटल एनर्जी कितनी

ये क्या हो जाएगा आर डॉट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर थीटा डॉट का क्लियर हो गया तक हमारे पास सो so, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको आप टी से डिनोट कर दो तो टी हमारे पास क्या निकल के आया टी इज इक्वल टू वन बाय टू एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर सो इक्वेशन नंबर इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर टू है ये हमारी सो एनर्जी अगर अगर मुझे लिखनी लिख अगर मुझे लिखनी हो एनर्जी लिख ली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है सो so उसको आप डिनोट करोगे से और वो हमारे पास क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो आपका न्यूक्लियस का चार्ज है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फोर पाई अपल एन नॉट और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर यही होता है पोटेंशियल एनर्जी तो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई e, और जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है प्लस जेड डी तो ये हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाय फोर पाइप आर आर जो है हमारे पास के? दोनों, का distance, दोनों चार्जेस का. तो ये हमारे पास क्या तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया माइनस जेड ई स्क्र फोर पाइ तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर मान लो थ्री है आपकी सो टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास दैट इज एनर्जी प्लस

अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर कह लो फाइव इसको इक्वेशन नंबर कह लो सिक्स अब ये सिक्स है थीटा, थीटा बाय आर स्क्वायर और आर डॉट की वैल्यू क्या निकली है थीटा बाय आर स्क इंटू डी आर बाय डी क्लियर हुआ यहाँ तक तो आप एनर्जी में जब सब्सिट्यूट करोगे तो हमारे पास हाफ ऑफ एम

तो जब हम इसको इन इससे मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही बस में, आर आर में थीटा का होल स्क्वायर प्लस स्क्र फोर पी थीटा तो वन बाई में, आर आर में थीटा ही रखा बाकी टर्म इधर लेके तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू टू एम आर स्क्वायर पीठा स्क्वा माइनस वन प्लस टू एम जेड स्क्वायर फोर बाई एफ सॉक्वायर इंटू आर तो ये इक्वेशन आ इक्वेशन नंबर सिक्स तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट इन डिफरेंशियल फॉर्म अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं एनर्जी एंड साइज ऑफ एलिप्टिकल इलेक्ट्रॉन ठीक है electron, अब हम एलिप्टिकल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है वो फाइंड आउट करेंगे और इसका जो है साइज हम फाइंड आउट करने वाले हैं तो ठीक है सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोलर इक्वेशन से तो हमें पता है जो पोलर इक्वेशन होती है एलिप्स की वो क्या होती है आपके पास ये आपको लर्न भी होनी चाहिए तो वो हमारे पास क्या होती है कि वन बायर टू वन प्लस डिवाइडेड बाय ए वन माइनस अपसाइलन स्क्वायर तो ये इक्वेशन आपको हमेशा लर्न करके रखनी है कि वो क्या है वन बाय में आर वन प्लस डिवाइडेड बाय ए वन माइनस अपसाइल स्क्वायर ठीक है तो आपने वैसे जनरली जो इक्वेशन लर्न की होगी वो ये वाली इक्वेशन लर्न की होगी एल बाई में पोलर इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको एक और इक्वेशन आपको लर्न करके रखनी है वो क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस पे स्क्वायर जो यूज कर रहे हैं दैट इज एसेंट्रिसिटी ठीक है ट्रिसिटी ऑफ एलिप्स ऑफ एलिप्स तो ये आपको लर्न होना चाहिए ठीक है अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले एनर्जी एंड साइज ऑफ एलिप्टिकल इलेक्ट्रॉन ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेवन कह लो आपने क्या करना है टेकिंग लोग बोथ साइड एंड डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेवन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आपने सेवन इस इसका पहले लोग लेना है फिर इसको डिफ्रेंशियट करना है, विद तो थीटा, है हमने टेकिंग लोग बोथ साइड सो लॉग ई वन बाय में आर और इसका क्या हो जाएगा लॉग ई एम बाय में एन का डिफ्रेंशियन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन तो आपका क्या हो जाएगा वन प्लस मेंसटा माइनस लॉग ई ए वन माइनस अपसाइलेंट

तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब आगे हम क्या करने वाले हैं इसका हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन बायर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन और ऐसी माइनस वन का स्क्वायर वन और क्या आ जाएगा अब सैलन साइन ठीटा बाय प्लस में अब सैलन साइन ठीटा का होल स्क्वायर क्लियर हुआ है यहाँ तक ठीक है इसे कह लो इक्वेशन नंबर एट तो यहां तक हमारे पास निकल गई इक्वेशन नंबर एट आगे देखो अब हम क्या करने वाले हैं जो इक्वेशन नंबर सेवन है हमारे पास इसी को ही हम जो है लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर सेवन को ही हम जो है इस तरह से लिख रही हूँ मैं कि वन प्लस में अपसाइलेंट कॉस्टा जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास वन प्लस में अपसाइलेंट कॉस्टा किसके इक्वल है ए वन माइनस स्क्वायर बाय में आर के ठीक है ये चीज बिल्कुल ठीक है तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट अब हम जो है वन प्लस में अप्सैलन कॉस्टिटा किसके इक्वल निकल के आया ए वन माइनस अपसे बाय में आर अब हम क्या करेंगे अपसेटा इधर रख लेंगे इधर रख लिया इसको इधर ले गए ठीक है तो माइनस चलो एक काम करो आप क्या करो अप्सैलन कॉस्टिटा को इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा माइनस अपसेन कॉस्टिटा माइनस अपसेन कॉस्टिटा इसको इधर लेके गए तो ये क्या आ गया वन माइनस ए वन माइनस अपसेन स्क्वायर बाय में आर कोई दिक्कत नहीं यहां तक मैंने क्या किया कि इसको इधर ले गए इधर ले गए थीटा और इसको इधर लेके गए तो वन माइनस ए अब वन माइनस अब सेलन स्क्वायर बाय में आर क्लियर हो गया यहां तक फिर से क्या कर दो स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड अभी नहीं स्क्वेयरिंग बोथ साइड मत करो अभी हाँ कर आप कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड <coughs> तो जब हम स्क्रिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब सैलन थीटा का होल स्क्वायर यानी अबसेलन स्क्वायर स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा वन माइनस ए वन माइनस अब सैलन स्क्वायर बाय में r इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर ठीक है यहाँ से हम क्या करेंगे अब सैलन स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया ठीक है मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ अब सैलन स्क्वायर माइनस अब सैलन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब सैलन स्क्वायर माइनस वन माइनस ए वन माइनस अब सैलन स्क्वायर बाय में आर इसका होल स्क्वायर अब देखो अबसेलन स्क्वायर को जहां से ऐड वही दोनों साइड ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी ठीक है तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ा बाय में आर का होल स्क्वायर इसमें से कॉमन तो वन माइनस कॉस्का ढीटा दैट इज साइन थीटा तो डायरेक्ट लिख दूसैलन स्क्स थीटा तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा अबसेलन स्क्वायर माइनस अब a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू वन माइनस अबसेलन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए वन माइनस अबसेलन स्क्वायर बाय में आर 2A कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है क्लियर होगी ये चीज अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या हो जाएगा अबसेलन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीठा इज इक्वल टू अपलन स्क्वायर माइनस वन माइनस

तो हमें ये बनाना है one plus cos का तो पे तो हम कैसे बनाएंगे हमने sin हमने कर अब हमें किससे डिवाइड करना है one plus cos का से. तो अब वो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दो डिवाइड बोथ साइड बाय किससे डिवाइड करोगे आप वन प्लस में अपसाइलन कॉसिटा का होल स्क्वायर से क्लियर है

सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अपसाइलन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ये कर दूँ ए स्क्वायर वन माइनस साइलेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ठीक है माइनस ए स्क्वायर वन माइनस अपसाइलन स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर डिवाइड करेंगे दोबारा से किससे ए बा ए स्क्वायर वन माइनस अपसाइलन स्क्वायर का होल स्क्वायर से और ये आर स्क्वायर ऊपर ही ले जाओ प्लस 2A, 1 square by में R, फिर से करेंगे तो A square, 1 square का whole square into R square. कोई दिक्कत है यहाँ तक जो हमने अलग अलग डिनोमिनेटर्स में हम लेके चले गए तो हम कर ले इसको आगे सॉल्व तो हमारे पास अपसाइलन स्क्वायर साइन स्क्वायर वन प्लस में epsilon, cos, theta का होल पास क्या निकल के आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में लेके गए हैं इसको ये आर स्क्र ऊपर चला जाएगा वन माइनस अपसाइलेंस स्क्वायर है यहाँ पे अपसाइलेंस स्क्वायर माइनस वन है ठीक है लेकिन माइनस कॉमन लेंगे माइनस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा तो वन वन अपसाइलेंस स्क्वायर माइनस वन से एक बार अपसाइलेंस स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास तो हमारे पास क्या बच जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस आर स्क्वायर क्योंकि अगर माइनस कॉमन भी ले लोगे ना तो हमारे पास एक वन माइनस अपसाइलन स्क्वायर हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर वन माइनस अपसाइलन स्क्वायर ठीक है माइनस अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो गया इससे ठीक है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चा माइनस वन प्लस टू इंटू इस वाले में देखो वन माइनस अपसाइलन स्क्वायर से एक बार तो कैंसिल हो गया एक आर से एक आर कैंसल और एक ए से एक तो हमारे पास क्या बचा टू आर, टू आर, बचा और क्या वन बचा बचा स्क्वायर कह लो इक्वेशन नंबर टेन तो यहाँ तक इक्वेशन नंबर टेन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कर लोगे यहाँ तक अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारे पास निकल के आई अपलन स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू जो है हमारे पास जो है इसे अभी इक्वेशन नंबर स्टार ही रहने दो लेट इट बी इक्वेशन नंबर स्टार ठीक है तो हम क्या करते हैं इसे इक्वेशन नंबर स्टार रहने दो अभी

ए स्क्वायर वन माइनस अपसे माइनस वन प्लस में टू आर ए वन माइनस अपसे इसे इक्वेशन नंबर कह लो टेन तो इक्वेशन नंबर टेन तक हमारा सॉल्व हो गया अब हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी तो हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट हमने फाइंड आउट की थी सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या थी हमारे पास तो वो हमारे पास निकल के आई थी क्या निकल के आई थी वन बाय में आर डी आर बाय में होल स्क्वायर टू एम ई आर स्क्वायर पीठीटा स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एम ई तो मैं यही इक्वेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ ठीक है जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट हमारे पास निकल के आई थी ठीक है मैं इसको लिखने वाली हूँ तो हमारे पास आई थी वन बाय में आर डी आर बाय में डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई आर स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर माइनस वन प्लस में टू एम जेड ई स्क्वायर आर फोर पाई एफ नॉट पी थीटा का होल स्क्वायर टेन तो है और इक्वेशन नंबर सिक्स है इसको कंपेयर करते हैं 10 6. तो जब कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग कॉफिशियंट को कंपेयर करेंगे आप कंपेयर करोगे पहले आर स्क्वेयर का कॉफिशियंट और, और फिर उसके बाद आर का कॉफिशियंट तो आर स्क्र के कॉफिशियंट को कंपेयर करके हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्र आर स्क्वेर कॉमन है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा टू एम ई पी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन ए स्क्वायर वन माइनस अपसेन स्क्वायर कोई दिक्कत ठीक है कंपेयर कर सकते हैं हम लोग तो यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा उसके बाद है कंपेयरिंग का कॉफिशियंट कंपेयर करते हैं का कॉफिशियंट में क्या है यहाँ पे हमारे पास टू एम जेड ई स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे किसके इक्वल है ये

सॉरी ये वन माइनस साइलेंस स्क्र ये फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस स्क्वल टू वन माइनस अब ये वैल्यू जो है की अंदर तो फर्स्ट के अंदर आप तो हमारे पास आ जाएगा टू एम ई पीठा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बायर वन माइनस अपसे की पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा बी स्क्र बायोयर तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया माइनस वन बाय में बी स्क्वायर ऐसी टू एम जेड ई स्क्वायर फोर पाई एफसेलन नॉट पी थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू बाई में A. ये सबस्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे दैट इज टू एक्वेर और टू से टू आप यहाँ पे कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा एम जेड ई स्क्वा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई में बी स्क्वायर तो यहां तक हमारे पास आ गया इस इक्वेशन को आप कह लो इक्वेशन नंबर इलेवन इस इक्वेशन को आप कह लो इक्वेशन नंबर ट्वेल्व तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है ठीक है अब क्या करना है डिवाइड बाय का स्क्वायर आप इलेवन को जो है डिवाइड करना है ट्वेल्व के स्क्वायर से तो ठीक है कर देते हैं इलेवन को डिवाइड करना है ट्वेल्व के स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा हमारे पास टू एम ई पी थीटा का स्क्वायर डिवाइड किससे कर रहे हैं इससे कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, करेंगे तो एस एसी एम स्क्वायर जेड क्लियर है यहाँ तक उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इसको डिवाइड कर, कर रहे हैं इलेवन को डिवाइड कर रहे हैं ट्वेल्व के स्क्वायर से तो माइनस वन बाय बी स्क्वायर इन टू क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बी फोर और क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर क्लियर है यहाँ तक अब जो कटता है वो कट जाएगा बी स्क्वायर से एक बार ये कट जाएगा टू आ जाएगा यहाँ पे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी माइनस एम जेड थीटा का स्क्वायर पाई नॉट का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्र बायर तो ये जो इक्वेशन आई है आपको लर्न रखनी है ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्टीन है हमने ए भी फाइंड आउट करना था तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी तो कैल्कुलेट होगी इसको इक्वेशन नंबर थर्टीन कह लो और जो हमारे पास ए है वो कहा से आएगा इक्वेशन नंबर ट्वेल्व से ए को इधर इधर रखोगे बाकी सारी टर्म तो बी एम फोर पाई नॉट थीटा का होल स्क्वायर तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी और हमारे पास साइज हमारे पास निकल के आ गया एलिप्टिकल ऑर्बिट का इन टर्म्स ऑफ एंग्लोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो है क्वांटाइजेशन कंडीशन तो इसके अंदर हम सारा कुछ कंप्लीट करके चलेंगे बोहर सोमरफील्ड के एक्सटेंशन जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं इसमें सब कंप्लीट करके चलेंगे तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है ये हमारा एल्पिटिकल ऑर्बिट है ठीक है और ये इसकी जो है सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है यहाँ इलेक्ट्रॉन है ठीक है यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज जानने वाली यहाँ पे ये है हमारे पास कि जो हमारे पास Uh, आपके पास अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए आर और थीटा का तो दो कोऑर्डिनेट्स का मुझे पता होना चाहिए तो इसी करके जो है सोमरफील्ड की जो क्वांटाइजेशन uh, रूल भी जो है दोनों के ऊपर अप्लाई होगा आपका आपका रेडियल कंपोनेंट पे भी और आपका एंगुलर कंपोनेंट पे भी तो हमारे पास जो सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल क्या था हमारे पास मैं पहले सिंपल लिख निकलूँ वो क्या था हमारे पास पी आई डी क्यू आई होते ये दिस हर का. तो यहाँ पे हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हम यूज कर रहे हैं आर ओ थीटा तो दोनों के लिए जो है, हम लिखेंगे. तो वो क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी अब यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ रेडियल कंपोनेंट दैट इज पी आर इन टू और इसके कॉरस्पोडिंग इसका कॉर्डिनेट क्या होगा डी आर और मैंने कह लिया यहाँ पे जो ये है हमारे पास एन आई है ये एन आर एच के इक्वल है ठीक है ऐसे ही सेकेंड लिखेंगे हम किसके लिए आपका थीटा के लिए तो यहाँ पे उसका मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास पी थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने कह लिया दिस इज इक्वल टू के इंटू एच ठीक है तो यहाँ पे जो के इंटू एच है ये जो के है दैट इज योर एजी क्वांटम नंबर ठीक है तो azimuthal quantum number है, n जो है आपका radial quantum number है 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 आपके पास और यहाँ पे K जो है हमारे पास ठीक ठीक और पे जो हमारे जिसको हम से कर रहे हैं that is azimuthal quantum number, ये क्लियर हो गया सो so, टोटल अगर मुझे बात करनी है एन क्या टोटल क्वांटम नंबर है तो टोटल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज एन इज इक्वल टू एन आर प्लस में के कोई दिक्कत नहीं पे ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया अब हमें जो है ये जो इंटीग्रल्स है ये फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर फिफ्टीन ठीक है अब हमारे पास जो है फोर्टीन तक हमने पढ़ ली थी ना इक्वेशन तो ये फिफ्टीन है इसको इक्वेशन नंबर आप सिक्सटीन दे दो ठीक है अब देखो जो सिक्सटीन इक्वेशन है फ्रॉम सिक्सटीन इक्वेशन से अगर हम बात करें तो मुझे ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो पी थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू के एच है अब पी थीटा तो बाहर आ जाएगा आपका सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा डी थीटा का जीरो तो से टू पाई तो तक इंटीग्रेट करेंगे क्लोज इंटीग्रल चाहिए ना तो क्लोज इंटीग्रल कितना है हमारे पास टू पाई का है इंटू डी टू के एच कोई दिक्कत नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो पीठा इंटू टू पाई इज इक्वल टू के एच और हम ये भी बोल सकते हैं कि थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा के एच बाई में टू पाई क्लियर है, है यहाँ तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसे भी इक्वेशन नंबर आप कह लो सिक्सटीन ठीक है जस्ट फॉर इंस्टेंस क्योंकि सिक्सटीन इक्वेशन ही हमारे पास निकल के आई है वो क्या निकल के आगे पी थीटा के में अब हमें रेडियल कंपोनेंट भी तो फाइंड आउट करना है रेडियल कंपोनेंट के लिए भी तो हमें ये फाइंड आउट करनी है इक्वेशन फिफ्टीन तो हम पहले हम फाइंड आउट करते हैं पी आर इंटू डी आर तो सबसे पहले पी आर फाइंड आउट करते हैं सो पी आर हमारे पास क्या है पी आर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि पी आर हमारे पास क्या है मास रेडियल वेलोसिटी

तो यहां से एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ये किसकी याद दिला रहा है आपको दैट इज मोमेंटम कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पी थीटा की याद दिला रहा है आपको, आपको. तो स्टार्टिंग में ही तो पीठा इन टू आर तक क्लियर हो गया आपको तो पी आर हमारे पास क्या निकल के आया पीठा बायर डी आर बाय में डी थीटा अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ मैं इस डी आर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ डी आर बाय में डी थीटा इन टू डी थीटा कोई दिक्कत नहीं बेसिकली आएगा क्या डी आर ही आएगा यहाँ पे हमारे पास सो so डी आर बाय में डी टीटा इंटू डी आर डी ठीटा लिख सकती हूँ तो इसके अंदर सब्सिट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पीठा बाय में आर स्कोर डी आर को आपने क्या लिखना है डी आर बाय में डी ठीटा इंटू डी ठीटा है ना तो यहाँ पे हमारे पास जब आप लिखोगे डी आर को लिखोगे डी आर बाय में डी थीटा इंटू डी थीटा आप कैलकुलेट लिखोगे

तो यहां से पी आर इंटू डी आर हमारे पास क्या निकल के आ गया पी टीटा बाई में आर थीटा दो बार आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास पी आर बाई मे डी आर की वैल्यू आ गई अब देखो यहाँ पे हमारे पास पी आर बाई में डी आर की वैल्यू क्या आ गई इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पीठा इंटू वन बायर बाय स्क्र इंटू डी पी आर इंटू डी आर अब देखो वन बाय में हमने डी आर बाई में theta, जब की थी एलिप्स की तो वन बाई में कैलकुलेट किया था तो वो क्या निकल के आया था तो हम देख लेते हैं वो हमारे पास निकल के आया था अबसाइलेंट साइन थीटा बाय प्लस में, one plus में epsilon, cos, का होल स्क्वायर निकल के आया था तो ये इक्वेशन नंबर आपकी एट थी तो हम करेंगे यूज इसी के अंदर इक्वेशन नंबर एट सब्सिटीट्यूट करेंगे यूजिंग इक्वेशन एट क्या थी इक्वेशन एट जो मैंने आपको लिखा दी है यहाँ पे तो अपसेन साइन बाय में वन प्लस में थीटा का होल यानि कि ये भी कह सकते हैं अबसेलन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में वन प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्टू डी थीटा क्लियर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पी आर डी आर हमारे पास निकल गया तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 15 थी वो क्या पी आर डी आर का होल इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू एनआरएच पी आर डी आर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इसका हमें क्या करना है क्लोज पी आर डी आर का क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो इसको थीटा बाय में वन प्लस में अपसे इंटू डी थीटा का ठीक है अब क्लोज इंटीग्रल क्या होगा जीरो से टू पाई

इस तरह से लिख सकते हैं थीटा एक बार बाहर ले लिया और एक बार साइन थीटा इसके साथ डिवाइडेड बाय वन प्लस में होल स्क्टा इसको कह लो फर्स्ट फंक्शन कह लो सेकेंड फंक्शन इस पर लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप निकालोगे आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ठीक है ना सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फिर सेकंड का जो है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इस तरह से जो हम लगाते थे तो वो जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो आप लगाओगे तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगी कि जो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा जब आप इस पूरे को इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आएगा मैं वो डायरेक्ट रिजल्ट आपको लिख के दे रही हूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा ये तो है पी थीटा क्या बाय में टू पाई ये हमने निकाला ही हुआ है और ये जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा टू पाई बाय में माइनस अब स्क्वायर की पावर वन बाय में टू माइनस टू पाई क्लियर है यहां तक तो ये हमारे पास अब पी आर डी आर किसके इक्वल था क्लोज इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू एन आर एनआरएच फिफ्टीन एक कहती है ना

कोई दिक्कत नहीं है तक अब आपने क्या करना है कि आपने जो है वन से ऐड कर देना बोथ एडिंग वन बोथ साइड तो ऐड करोगे जब वन बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ थोड़ा सा मैं यहीं पे करूँगी ताकि आप भूलो ना इस चीज को ठीक है ऐसे इक्वेशन नंबर कुछ भी कह लो स्टार कह लो एडिंग वन टू बोथ साइड अगर आप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन आर बाय में के प्लस में वन इसमें वन ऐड करेंगे तो वन माइनस है माइनस वन प्लस वन वन हो जाएगा तो दैट स्क्वायर की पावर वन बाय यही बचेगा तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एन आर प्लस में के इज इक्वल वन माइनस अफसेर की पावर वन बाय में टू ये लिख सकते हैं हम अब मैंने यहाँ पे क्या करना है इसको क्या कर लो आप रेसीप्रोकर ले लो रेसी प्रोकर लोगे तो क्या आएगा के बाय में एनआर प्लस में के डिवाइडेड बाई इन टू वन माइनस अपसे कि पावर वन बाय में टू ट्रेसी प्रोकअल ले लिया हमने दोनों साइड अब देखो मैंने ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताया टू, एक टू तो यहां से वन माइनस अपसेन स्क्वायर की पावर वन बाय टू के आ जाएगी बी स्क्र क्लियर होगी ये चीज ये किसके इक्वल निकल के आ जाएगी आपके पास बी में वन बाय में टू के सॉरी इक्वेशन थी बी

तो बी बाय में यहाँ पे तो ये किसके इक्वल गया बी बाय में ए के इक्वल तो के बाय में एन आर प्लस में ए तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया और एन आर प्लस में के स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था टोटल नंबर इज द सम से हमारे पास हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये निकल के आ गया एन बाय में के इज इक्वल टू बी बाय में ए तो ये जो इक्वेशन थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये इक्वेशन जो है ये जो है आपकी क्वांटम कंडीशन कहलाती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में तो हमारे पास क्या निकल के आई वो कंडीशन एन बाई में, k N में k, हमारे पास क्या निकल के आया है? हमारे पास आपने जो है एन बाय में के कैलकुलेट किया है सॉरी के बाय कैलकुलेट किया है क्या निकल के आया बी बाय ए तो यहाँ से हमारे पास के बाय में एन क्या निकल के आया है हमारे पास के बाय में एन क्या निकल के आया है? बी बाय में तो ये कंडीशन हमारे पास हमें लर्न होनी चाहिए और हम ये भी बोल सकते हैं कि बी बायल टू के ये क्या है आपकी क्वांटम कंडीशन है ठीक है तो ये क्वांटम कंडीशन है एलिप्टिकल ऑर्बिट की ठीक है तो ये हमारे पास क्वांटम कंडीशन एलिप्टिकल ऑर्बिट की हमने कैलकुलेट कर ली अब मैं इसी को ही मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि इसका स्क्वायर कर दू तो बी स्क्वायर बायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई में एन स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं ठीक है हमें पता है कि बी स्क्र जो है इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस अफसेलन स्क्वायर के इक्वल है ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र वन माइनस अफसेलन स्क्वायर स्टार्टिंग में फॉर्मूला लर्न करवाया था मैंने आपको तो यहाँ से मैं और ये लिख सकती हूँ कि वन माइनस अफसेलन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क् अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप के बाय में एन स्क्र क्योंकि बी बाय में ए स्क्वायर किसके इक्वल निकल के आया के स्क्वायर बाय में एन के इक्वल तो वन माइनस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका के बाय में एन के इक्वल ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद हमने क्या करना है अब साइलेंट स्क्वायर जो है अब आप क्या करोगे कि इधर इसको इधर ले जाओगे इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा अब साइलेंट स्क्वायर पॉजिटिव ये इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस के स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर और हम ये भी लिख सकते हैं अब साइलेंट इज में एन की पावर वन में टू तो ये जो है हमारे पास जो है एक्सप्रेशन निकल के आया है इसको हम कहते हैं ऑफ एलिप्स ठीक है ना तो हमने ऑफ एलिप्स निकाल लिया जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और हमने ये भी देखा कि हर इसेंट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है सिर्फ वही इसेंट्रिसिटी अलाउड होगी जिसके लिए जो है ये इक्वेशन है जिसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर एटीन जब ये इक्वेशन इक्वेशन नंबर एटीन सेटिसफाइड होगी तभी जो है हमारे पास जो है सिर्फ वही जो है इसेंट्रिसिटी जो है वो क्या होगी आपकी एप्लीकेबल होगी तो यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया ठीक है और हम ये भी कह सकते हैं कि अब सेलन वही परमिसिबल है जिसके लिए जो है आ, जो आपका रेशो है मेज माइनर एक्सेस से मेजर एक्सेस का वो किसके इक्वल होना चाहिए आपका एज ई मुथल क्वांटम नंबर के इक्वल डिड का रेशो और आपका सिंपल जो है एनआर का रेशो यानी कि आपका सॉरी सिंपल टोटल क्वांटम नंबर का रेशो के इक्वल होना चाहिए तो वही सेंट्रिसिटी पॉसिबल है तो वही सेंट्रिसिटी तो अलाउड है जिसके लिए K N के बाय किसके इक्वल होगा आपका बी बाई में ए के इक्वल होगा तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके आगे तो यहाँ से एक चीज और इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि अगर हम के की वैल्यू वन टू थ्री फोर लेंगे ये तो अलाउड है ठीक है के की वैल्यू वन टू थ्री फोर तो हो सकती है लेकिन के की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती के इज नॉट इक्वल टू जीरो देख लेते हैं के नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है हमारे पास इक्वेशन क्या है बी बाई में ए इज इक्वल टू के बाय में एन ठीक है ये इक्वेशन है अगर के हमने जीरो ले लिया इफ के इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे बी भी क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बी इज इक्वल टू के तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो आपका एलिप्स इस तरह से बनता है कि ये ए होता है ये आपका बी होता है जब बी ज़ीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसका मतलब एलिप्स नहीं मिलेगा तो अब ये थोड़ी ना होगा कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन के अबाउट मूव करेगा नहीं ठीक है तो एलिप्स एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो जो कि पॉसिबल नहीं है ठीक है तो यहाँ पे जो एन आर की वैल्यू है वो हो सकती है आपकी जीरो, वन, हो सकती है ठीक है और टोटल क्वांटम नंबर जो हम बात करें टोटल क्वांटम नंबर देखो एन जो है दैट इज द सम ऑफ एनआर प्लस में के ठीक है एन आर की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ठीक है तो उसके बाद जो है

इक्वेशन की, की हमने फाइंड आउट की थी एनर्जी और ए इक्वेशन हमने जो है फाइंड आउट की थी तो मैं आपको थर्टीन और फोर्टीन इक्वेशन एक बार दोबारा दिखा देती हूँ कि हमने एनर्जी और ए की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी ये देखो हमने फाइंड आउट की थी ना थर्टीन और फोर्टीन इक्वेशन से एनर्जी किसके इक्वल निकल आई थी एम जेडी आउट किया था तो मैं इसी इक्वेशन थर्टीन को फर्दर आगे मॉडिफाई कर रही हूँ तो एनर्जी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास जो निकल के आई थी मैं लिख रही हूँ एक बार तो दैट इज माइनस एम जेड स्क्टा स्क्तर फोर पाई सेवन नॉट का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्र बायर ऐसी ए हमारे पास निकल के आया था एम जेड ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय में पीठीटा का स्क्वायर फोर पाई एफ सेन नॉट का होल स्क्वायर तो ये वैसे भी आपको लर्न होने चाहिए ठीक है तो अब हमारे पास क्वांटम कंडीशन हमने निकाल ली है ठीक है तो यहाँ से हमारे पास ये जो है टर्म हमारे पास इसके इक्वल है ई e और ए हमने निकाल लिया है पहले से अब हमारे पास एक चीज है हमने पता है हमने पी थीटा हमने निकाला था वो क्या निकल के आया था हमारे पास के एच बाय में टू पाई ये निकल के आया था ठीक है और बी बाय में ए हमारे पास क्या निकल के आया है के बाय में एन के इक्वल निकल के आया ठीक है तो हम क्या करेंगे बी बाय ए की वैल्यू के बाय में एन सब्सिट्यूट कर देंगे और थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे के एच बाय टू पाई एनर्जी की और ए के अंदर तो एनर्जी में सब्सटीट्यूट करोगे आप माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर टू इंटू पी थीटा स्क्वायर क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हो आप के एच बाय टू पाई क्लियर है ठीक है तो फोर पाई सेलन नोट का स्क्वायर एक तरफ रख लो पहले अब सब्सटीट्यूट करो के एच बाय टू पाई का होल स्क्वायर काट लेना उसके बाद जो हमारे पास निकल के आएगा सॉल्व करके दैट इज माइनस टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर बाय स्क्वायर वन बाय फोर पाईन नॉट का होल स्क्वायर इसे कह लो इक्वेशन नंबर ट्वेंटी क्लियर है ऐसी अब देखो जो टोटल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल निकल के आई है टोटल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आई है किसके वन बाय स्क्वेयर के यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बाकी सारी टर्म तो हमारी कॉन्स्टेंट है सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास ये मेन जो फैक्टर जो डिपेंड कर रहा है वो क्या है एन स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ई e, जो है इंडिपेंडेंट है किसके के के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक है ऐसी अब हम साइज कौन देता है हमें शेप कौन देता है दैट इज ए तो शेप हमें कौन बताएगा ए बताएगा तो ए से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर द्वारा सा क्या करोगे आप पी थीटा स्क्वायर क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हो आप के एच बाय में टू पाई तो के एच बाय में टू पाई का होल स्क्वायर इसको अभी रहने दो टू पाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास ठीक है तो और यहाँ पे क्या है हमारे पास फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर B की वैल्यू करो क्या करोगे तो यहाँ पे फोर पाई स्क्वायर से फोर पाई स्क्र कैंसिल हो जाएगा जो कैंसिल होगा वो हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास जो एंड में जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा आपके पास तो यहाँ से हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा बाकी सारी टर्म्स जो है ये इधर रह जाएगा बाकी सारी टर्म्स इधर मूव करेंगे तो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर फोर पाई अपन नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर तो यहाँ पे जो ये वाली सारी टर्म है दैट इज इक्वल टू ये वाली सारी टर्म जो कांस्टेंट वाली Z को एक तरफ रख लो मैं इसको सकते हैं ये सारी टर्म जो है फर्स्ट रेडियस है तो ये हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट एन जो हमारे पास क्या निकल के आया ए नॉट इंटू एन में बाय ए नॉट क्या है हमारे पास एच स्क्ल नॉट का स्क्वायर

तो के बाय में एन ए की वाली सब्सिट्यूट करोगे तो क्या आएगा ए नॉट एन स्क्वायर बाय में जेड एन से एक एन कैंसिल तो क्या आ जाएगा के ए नॉट एन बाय में जेड तो बी हमारे पास क्या निकल के आ गया ए नॉट एन के बाय में जेड तो ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर कह लो ट्वेंटी टू तो यही दो इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यही क्या बताती है शेप और साइज ऑर्बिट का बताती है कि किस तरह का शेप होगा ऑर्बिट का किस तरह का साइज होगा तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये दोनों डिसाइड करती हैं शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिट तो देखते हैं क्या कैसे करती हैं ये दोनों डिसाइड ठीक है इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है हमारे पास ट्वेंटी वन है ए नॉट एन स्क्वायर बाय में Z. इसको ट्वेंटी वन इक्वेशन हमने बोला था और बी हमारे पास क्या निकल के आई थी ए नॉट एन के ये थी हमारी ट्वेंटी टू इक्वेशन सो ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू क्या डिटरमाइन करेंगी शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिट ठीक है निकालते हैं कैसे तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है हाइड्रोजन एटम का हम केस लेंगे तो हमने कोई भी एटम ले लिया ठीक है ना मान लो हमारे पास हाइड्रोजन एटम हमने कंसीडर किया तो उसके लिए हमने जेड क्या ले लिया वन ठीक है ना फोर हाइड्रोजन एटम

और ये वन कब होगा क्योंकि एन किसके इक्वल है एन आर प्लस में के इक्वल के है तो एनआर हमने मान के चला जीरो है इसका मतलब एन आर जीरो होगा और के क्या होगा होगा तभी क्या होगा हमारे पास एन वन के इक्वल होगा तो यहाँ पे के हमारे पास क्या होगा होगा तभी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी तो एन बी वन है के भी वन है ठीक है तो एन वन है के वन है ए हम फाइंड आउट करेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस क्या निकल के आ जाएगी ए नॉट एन, एन स्क्वायर यानी कि वन इन और ये भी क्या है वन ए इज इक्वल टू ए नॉट निकल के आगी ऐसी बी हमारे पास क्या निकल के जाएगा ए नॉट ये क्या एन के बाय में तो तो क्या निकल के आ गया ए नॉट निकल के आ गया ठीक है तो ए इज इक्वल टू ए नॉट और बी इज इक्वल टू ए नॉट तो यहाँ पे जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सेस देखो अब मैं यहाँ पे मैं एलिप्स ड्रॉ करने वाली हूँ पहले नॉर्मल एलिप्स ऐसी होगा सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस अब यहाँ पे क्या, क्या कह रखा है कि ए जो है वो ए नॉट के इक्वल है और B भी नॉट के इक्वल है तो बी ए और बी जो है दोनों इक्वल है ए नॉट के इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा ये एलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका रेडियस क्या, हो हो क्या होगा आपके पास ए नॉट के इक्वल होगा जिसका रेडियस क्या होगा ए नॉट के इक्वल होगा तो ये जो है हमें क्या मिलेगा एक सर्कल हमें मिलेगा जिसका जो है रेडियस किसके इक्वल होगा आपका ए नॉट के इक्वल होगा क्लियर हो गए यहाँ तक हमारे पास ठीक है तो हमें क्या सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस किसके इक्वल होगा आपका ए नॉट क्योंकि बीबी ए बी ए नॉट के इक्वल है b, b A0 के इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा ए नॉट क्लियर हो गया तक नेक्स्ट नेक्स्ट चलते है, पे. B पे चलते हैं हैं पे 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 पॉइंट हमारे पास हम क्या ले लेंगे टू अब एन टू कब हो सकता है कि एन क्या है किसका सम है आपका एनआर प्लस में के का सम है है ना तो यहाँ पे हमारे पास एन टू कब होगा जब एन आर बी वन होगा और के बी वन होगा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो और K भी क्या हो 1 हो आपके पास ठीक है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक पॉसिबिलिटी तो ये हो 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 सकती है हो, हो? हो. तो हो सकती है के सकती है कि कि और एक पॉसिबिलिटी क्या हमारा जीरो केस में हमारे पास क्या हो जाएगा के की वैल्यू टू है एन की वैल्यू भी टू है तो इन दैट केस ए हमारे पास किसके निकल के इक्वल निकल के आएगा ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला ए इज इक्वल टू ए नॉट एन स्वाय ए क्या ए नॉट एन स्क् फॉर्मूला है हमारे पास तो ए के भी आपका टू है एन भी टू है तो जेड हमारे पास वन है ए नॉट जब टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा फोर बाय में जेड ठीक है जेड हमारे पास वन है तो ए हमारे पास किसके इक्वल निकल के आया फोर ए नॉट के इक्वल क्लियर हो गया यहाँ तक अब k हमारे पास 2 है n हमारे पास 2 है ठीक है k 2 है और n भी क्या है 2 है इन दैट केस a क्या निकल के आएगा a नॉट n स्क्वायर बाय में z ये तो फॉर a नॉट के इक्वल ही निकल के आएगा ऐसी b हमारे पास क्या है a नॉट n k बाय में z है ये फार्मूला था b नॉट b का ठीक है b का फार्मूला क्या था हमारे पास a नॉट n k बाय में z तो सब्स्टिट्यूट करोगे जब आप वैल्यू a नॉट n k बाय में z तो n को आप 2 पुट करोगे इसको भी टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा जेड को वन पुट करोगे तो बी इज इक्वल टू फोर ए नॉट क्लियर हो गया यहाँ तक ऐसी इसके लिए पुट करोगे बी इज इक्वल टू ए नॉट एन के बाय जेड तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया आएगा बी इज इक्वल टू एन हमारे पास सॉरी यहाँ पे एन हमारे पास टू था के टू था ठीक है हो गया एन यहाँ पे वन है के क्या है एन यहाँ पे वन है और बी के क्या हमारे है हमारे पास टू है के भी हमारे पास वन है ठीक है एन हमारे पास टू पस्य। है के हमारे पास वन है डिवाइडेड बाय वन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ए नॉट तो हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है तो यहाँ से A हमारे पास निकल के आए ए निकल के आया है फोर ए नॉट ठीक है और बी हमारे पास क्या निकल के आया है फोर ए नॉट ठीक है और लेकिन इन दैट केस के वन है एन टू है तो हमारे पास ए निकल के आया है फोर ए नॉट और बी हमारे पास क्या निकल के आया टू ए नॉट तो ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों के लिए तो हम पहले के लिए ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा पहले के लिए जो पहला केस है उसके लिए देखो जो ए फोर ए नॉट के इक्वल है बी भी आपके पास जो है फोर ए नॉट के इक्वल है ए बी फोर ए नॉटल है बी भी फोर ए नॉट इक्वल है यानी ए इज इक्वल टू बी है तो हमें क्या मिलेगा एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा हमारे पास फोर ए नॉट क्लियर होगी ये चीज तो हमें क्या मिलेगा एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस क्या होगा आपके पास फोर ए नॉट के लिए A, 4A0 के इक्वल है किसके टू ए नॉट के इक्वल है? है तो ए जो है वो किसके इक्वल है 4A0 के तो ए ये पूरा हो जाएगा फोर ए नॉट और बी किसकेक्वल हो जाएगा ये पूरी जो पूरा हमारे पास था फोर ए नॉट था ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट के लिए मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा ये पूरा तो फोर ए नॉट रहेगा पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास टू ए नॉट क्योंकि टोटल रेडियस इज फोर ठीक है तो आधा करेंगे तो क्या टू ए नॉट तो ये हमारे पास कब होगा जब एन टू होगा तो यहाँ तक हमें समझ में आया कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं अब एन तीन के लिए ना एन थ्री के लिए तीन केस बनेंगे हमारे पास एन थ्री कब होगा जब के थ्री हो सकता है ठीक है तो पहला के थ्री एन थ्री कब होगा एन एन हमें पता है दैट इज एन आर प्लस में के तो यहाँ तो क्या होगा के वन होगा ठीक है ना तो एनआर भी वन होगा टोटल के वन होगा एन आर टू हो सकता है ठीक है ऐसी K2 हो सकता है ऐसी K3 हो सकता है तो के थ्री टू वन हम तीनों केस लेके चलेंगे जब एन हमारा थ्री है के थ्री है तो ए हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर बाय में जेड दैट इज इक्वल टू जेड तो हमारे पास वन ही है ए इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर तो हमारे पास ए क्या निकल के आ गया ए इज इक्वल टू नाइन ए नॉट क्लियर है यहाँ तक बी हमारे पास क्या निकल के आएगा ए नॉट एन के बाय में जेड तो आप पुट करोगे तो एन इन टू के करोगे तो नाइन आ जाएगा तो ये भी बी क्या निकल के आ गया नाइन ए नॉट तो यहाँ से हमारे पास ए बी नाइन ए नॉट आ गया और बी भी हमारे पास क्या आ गया नाइन ए नॉट तो हमें क्या मिलेगा सर्कल मिलेगा ऑफ रेडियस नाइन ए नॉट ठीक है सेकेंड केस है एन हमारा थ्री है के हमारे पास मान लो टू है तो जब के टू होगा इन दैट केस ए नॉट हम कैलकुलेट करेंगे

तो यहां पे पुट करोगे ए नॉट एंड नाइन नाइन बाय में वन नाइन ए नॉट और क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ सब्सिट्यूट करोगे थ्री ए नॉट तो हमारे पास ये इक्वेशंस निकल के आई तो इनके लिए अगर मैं ड्रॉ करना हुआ मुझे तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप देखो के जीरो नहीं हो सकता मैंने आपको पहले ही बताया था तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका रेडियस कितना है हमारे पास नाइन ए नॉट के इक्वल है तो हमारे पास ये जो सर्कल है इसका रेडियस किसके इक्वल है नाइन ए नॉट के इक्वल है ठीक है तो फर्स्ट केस में हमें जब हमारे पास एन थ्री है के भी थ्री है तो हमें क्या मिलेगा सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस क्या है आपका नाइन ए नॉट है ऐसी अब क्या Next, N3 है नेक्स्ट एन थ्री है के टू के लिए ए तो हमारा नाइन ए नॉट ही रहेगा पर बी कितना हो जाएगा सिक्स ए नॉट के क्वाल हो जाएगा तो उसके लिए हम ड्रॉ कर लेंगे ए तो हमारा नाइन ए नॉट ही रहेगा पर बी कितना हो जाएगा सिक्स ए नॉट के क्वाल हो जाएगा तो इस तरह से कुछ आएगा ठीक है एलिप्स तो ये हमारा पूरा कितना होगा सिक्स ए नॉट ऐसी थ्री ए नॉट क्या होगा सिक्स का हाफ तो यहाँ पे ये तो नाइन ए नॉट ही रहेगा पर बी क्या होगा सिक्स का हाफ तो वो कुछ इस तरह से आएगा ठीक है तो ये हमारे पास आ गया आपके पास तो ये आप अच्छी तरह से इधर से भी कर सकते हो आप कि ये हमारे पास पूरा नाइन ए नॉट का पहले सर्कल फिर हमें सिक्स ए नॉट का सेमी मेजर माइनर एक्सेस सिक्स ए नॉट वाली सैमी सैमी माइनर एक्सेस हमारे थ्री ए नॉट वाली तो एन थ्री के वन के लिए तो ये सारे हमारे पास हमारे पास निकल के आगे तो मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो है एन जो है डिफरेंट अलाउड वैल्यूज होती हैं हमारे पास ठीक है आप देखा कि एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं तो हमने देखा कि एक जो ऑर्बिट हमें मिलती है वो कौन सी मिलती है आपकी सर्कुलर ऑर्बिट ही मिलती है जो कि बोहर के इक्वल है लेकिन फर्दर आगे एन के लिए एन वन टू थ्री होता है जब तब तो हमारे पास जो ऑर्बिट आती है वो कैसी आती हैं आपके पास एलिप्टिकल ऑर्बिट आती हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये है एक चीज और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट होती है के के तो ये चीज इम्पॉर्टेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका सेम एन बट डिफरेंट के वैल्यूज विल हैव सेम एनर्जीज तो यहाँ क्या कह रखा है जिनकी एन सेम हो बेशक पर अगर डिफरेंट के वैल्यूज है ना एन अगर हमारा सेम है और डिफरेंट के वैल्यूज हैं तो सबकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगी आपके पास सेम होगी तो ये इंपॉर्टेंट था हमारे पास पर ये जो थ्योरी थी फिर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम ठीक है ना इसके बाद जो है लेटर ऑन जो है सोमरफील्ड रिलिविस्टिक करेक्शन आई जिसकी वजह से जो है फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया गया था तो अभी के लिए हैं